हाय फ्रेंड्स, आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं रियलमी का X2 फ़ोन। ये मैंने इस वजह से लिया था क्योंकि मैं पुराने फ़ोन से जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था वो उतने अच्छी क्वालिटी की नहीं थी। अब मैं इसे खोल के दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं रेड 6999 का पड़ा है मुझे और 4GB वेरियंट है ये। पहले क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं आती थी, इस वजह से मैंने ये परचेज़ किया है। अब इसे चला के देखते हैं और इससे ही आगे जाने वाली वीडियोज़ मेरी रिकॉर्ड होंगी। बॉक्स इसके अंदर पैकेजिंग काफ़ी बढ़िया लग रही है, इसके अंदर भी है। ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था, ये मैं निकालता हूँ अभी। और ये देखिए, इस पर मैंने वाइट मंगाया था लेकिन इस पर ग्रीन का ऊपर बस प्रिंट दे रहा है लेकिन अंदर वाइट ही है। ये रियलमी ब्रांडिंग और ये कुछ हाइलाइट्स हैं। और इसकी सील ब्रेक करते हैं पहले, रैपर हटा दें। मैंने YouTube पर कई वीडियोस रिव्यू चेक करे थे उसके बाद में ये परचेज़ किया है। और ये फ़ोन काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है कैमरा क्वालिटी के मारे और उसकी परफॉर्मेंस। ये सील ब्रेक नहीं हो पाई थी, निकालते हैं ये स्लो स्लो स्लो। हाँ ये आ गया। पहले हमारे पास ये फ्रंट में देखते हैं क्या इसमें। तो इसमें ये केस है, ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का लग रहा है पुराने वाले से। X2 का था वो इतना अच्छे क्वालिटी का नहीं था। ये कुछ मैनुअल गाइड्स हैं और ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी लग रही है। वो थोड़ा थिक भी है जो कि प्रोटेक्ट करेगा हमारे फ़ोन को। और ये सामने हमारा फ़ोन रखा हुआ है, निकाल के देखते हैं। इसे देखेंगे हम बाद में, पहले देखते हैं कंटेंट और क्या क्या है उसमें। मैंने कागज हटाया और ये 30 वॉट का चार्जर है, ये वुक चार्जर है, ये वुक चार्जर है। इस पर रियलमी की ये ब्रांडिंग है और USB पोर्ट है उसमें, ये आप देख सकते हैं। एक मिनट फोकस करूँ। हाँ ये देखो 30 वॉट का आउटपुट है और ये केबल है। इसमें सिम इंजेक्टर टूल है, सिम वगैरह निकालने के काम आएगा। अब रखते हैं सबको साइड में और अब देखते हैं हम फोन को। ये फोन का रैपर हटाएं पहले हम। ये वाइट कलर में काफी ज्यादा प्रीमियम लग रहा है। एक्चुअली मुझे ये लुक वाइज भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। अब हम इसे बूट करते हैं, चेक करते हैं बैटरी कितनी है। ओह बैटरी है मतलब इसमें। तब तक मैं सेटअप करता हूँ कुछ। और ये हमने सेटअप कर लिया है। आगे आने वाली वीडियोस में मैं इसका एक प्रॉपर रिव्यू दे दूँगा कि कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस इस फ़ोन के साथ। थैंक यू।